नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। बांधवगढ़ में 7 महीने में 11 टाइगर की मौत, आपसी संघर्ष में मर रहे हैं। इंसानों की जान लेने से भी नहीं चूक रहे बाघों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 7 महीनों में 11 बाघों की मौत हो चुकी है। बीते 3 महीने में 7 बाघों की मौत हुई है। 4 मौतें तो बीते 1.5 महीने के अंदर हुई है। हर महीने औसतन 2 से भी ज्यादा बाघों की मौत वाइल्ड लाइफ में औसत से ऊपर एक्सट्रीम की कैटेगरी में आता है। इन मौतों को एक्सपर्ट्स बहुत ही चिंताजनक मानते हैं। बीते 1 महीने में इंसानों पर बाघ के हमले की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। पिछले 1 सप्ताह में 3 घटनाएं ऐसी सामने आई हैं, जिसमें 1 की मौत और 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यानी एक तरफ बाघ मर रहे हैं, दूसरी तरफ वे इंसानों पर हमला कर रहे हैं। क्या यह बहुत ही सामान्य सी बात है या इन घटनाओं को रोकने में वन विभाग विफल हो रहा है? 2012 से 2022 तक मध्य प्रदेश में 270 बाघों की मौत हुई है। बांधवगढ़ में बाघों के मौत का आंकड़ा देश में सबसे अधिक है। 2012 से 2022 के बीच यह संख्या 66 है। एनटीसीए का रिकॉर्ड बताता है कि पूरे देश भर में इस वर्ष बीते 10 सालों की तुलना में बाघों की सबसे ज्यादा मौत हुई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार 2023 में देश भर में अब तक 161 बाघों की मौत हुई है। इनमें 43 मामले बाघों के शिकार के दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा बीते 10 सालों में सर्वाधिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।